आज मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार कांग्रेस विधायक दल द्वारा प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न विषयों पर मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं करा रही है। कटारे ने कहा कि जब से शिवराज सिंह प्रदेश शासन के मुखिया बने हैं, तब से प्रदेश में प्रतिपक्ष के पत्रों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विशेषकर भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई भी विषय हो, मुख्यमंत्री और उनके मातहत मुख्यमंत्री सचिवालय से कोई भी जानकारी नहीं दी जाती। व्यापक महा घोटाले से जुड़े तमाम विषयों पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनके द्वारा मांगी गई जानकारी आज तक मुख्यमंत्री ने उपलब्ध नहीं कराई है। यह स्थिति पीएससी एमपी ऑनलाइन की है, जहां प्रदेश के युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। व्यापम के अतिरिक्त और अनेक विभाग और विषय हैं जिनकी गड़बड़ियों के बारे में सरकार प्रतिपक्ष के पत्रों का उत्तर नहीं दे रही है। सरकार ने अभी तक इस चीज का जवाब नहीं दिया। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने पुलिस सत्यापन ही नहीं करवाया। नौकरी लग गई, नौकरी ज्वाइन करवा दी, चरित्र का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ। अगर उसमें कोई आर्थिक अपराधी है, क्रिमिनल है, कोई और तरह का अपराधी है तो है। पुलिस का रिकॉर्ड अभी तक का इस तरह का नहीं आया और मैं लगातार जानकारी मांग रहा हूं पीएचक्यू से और परिवहन विभाग से। हम ये जानकारी मांग रहे हैं कि आपने कितने लोगों का सत्यापन किया। सत्यापन में दो चीजें रहती हैं, यदि विभाग के और प्रदेश के अंतर्गत रहने वाले लोग आते हैं तो उनकी लिस्ट पुलिस मुख्यालय भेज दी जाती है, उनका सत्यापन पुलिस करके दे देती है। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी या कोई छात्र प्रदेश के बाहर का है, उसके सत्यापन के लिए उसी विभाग को फॉर्म दे दिए जाते हैं, वो विभाग उन फॉर्मों में वहां से सत्यापन करवा के बुलवाता है। तो इसमें ये यही नहीं बता रहे हैं कि कितने आपने मध्य प्रदेश में करवाए, कितने वहां करवाए, करवाए भी या नहीं करवाए, ये परिवहन विभाग में चल रहा है। तीसरा सवाल ये है कि जो मामला एक वर्ष पहले दर्ज होना चाहिए था, हमारी पार्टी ने तब भी मांग की थी। ठीक है, चुनाव का माहौल था, ज्यादा जोर से नहीं सुनी गई या ज्यादा जोर से नहीं कही गई या नहीं कह पाए, जो भी हो, लेकिन उस मामले को तब से अब तक दर्ज करने में इतना विलंब क्यों किया? और मामला दर्ज किया, सब सही है, तो आपके मंत्री ये खंडन क्यों कर चुके थे कि वहां कोई गलती नहीं है? विधानसभा में भी खंडन किया, बाहर भी खंडन किया उन्होंने, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। तो जब सही था तो गलत क्यों बोले मंत्री? और मंत्री ने अगर गलत बोला है तो आपने क्या कार्रवाई की और उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो जो अधिकारी समूची जानकारी को छुपा रहे हैं? या तो आपसे छुपा रहे हैं या आपकी सहमति से प्रदेश की जनता से छुपा रहे हैं, उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? एक सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री जी बुआ जी के टाइम से हम देख रहे हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष के पत्रों का जवाब नहीं देते। अजय सिंह जी को भी नहीं दिया, सत्यदेव कटारे को भी नहीं दे रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से ये जवाब मांगे थे विधानसभा में कि परिवहन आरक्षकों में जो भर्ती हुए हैं उनकी 10वें और 12वें की मार्कशीट दी जाए, अभी तक नहीं दी। 12वें की मार्कशीट उन्होंने नेट पर डाल दी। हमने फिर मांगा कि भाई 12वें की मार्कशीट में जन्मतिथि नहीं होती है, अगर कोई ओवरेज लड़का भर्ती हुआ है तो उसका आप सत्यापन कहाँ से करोगे? तो उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। यही चिट्ठी हमने मुख्यमंत्री जी को विधानसभा के पटल पर रखी थी, 26 चिट्ठियों का एक बंच, नहीं दिया था। हमने स्पीकर को अनुरोध किया कि आप इसको लें और इसमें जो कार्रवाई हो सकती सरकार करे और हमें अवगत कराए, वहां से भी कुछ नहीं हुआ। हमने चिट्ठी भारत सरकार को भी लिखी, गृह मंत्री को लिखी, प्रधानमंत्री को लिखी, राष्ट्रपति को लिखी, राज्यपाल महोदय को लिखी, मुख्यमंत्री जी को लिखी और इनकी पार्टी के हेड अमित शाह जी थे उनको भी लिखी। तो मुख्यमंत्री राजनीतिक रूप से पार्टी अध्यक्ष के कंट्रोल में रहेंगे, तो वो चिट्ठी का भी जवाब यहां से तो नहीं आया, लेकिन भारत सरकार से हमको जरूर जवाब आया। और इसमें इनको निर्देश दिया गया अगस्त 2014 में, इस पत्र को देख लें, इसमें 26 पत्र इसके साथ संलग्न है। यही पत्र लिखा गया था विधानसभा में स्पीकर को 26 यस, और यही लेटर स्पीकर साहब को विधानसभा में प्रस्तुत हुआ था, अनुरोध किया था, मुख्यमंत्री जी को लिखा था, यही पत्र राष्ट्रपति महोदय को लिखा था, यही पत्र भारत के प्रधानमंत्री को लिखा था, यही गृहमंत्री को लिखा था और यही पत्र अमित शाह जी को लिखा था। एमएसटीवी के लिए कैमरा पर्सन डेनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी की रिपोर्ट।